इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि पाइथन में हम पेंडास को यूज करके एक्सेल फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपके लिए एक एक्सेल फाइल बनाई है और इसको सेव मैंने किया है x.xls एक्सटेंशन में। लास्ट टाइम हमने सीएसवी फाइल को डिस्कस किया था और यहाँ हम एक्सेल फाइल को डिस्कस कर रहे हैं। तो वही सबसे पहले आपने काम करना है, सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना है पैंडास एस पी डी इन जुपिटर नोटबुक में, ताकि पैंडा की लाइब्रेरी आपके पास आ जाए। उसके बाद देखें, मैंने डेटा फ्रेम ये एक df यानी वेरिएबल बनाया इक्वल टू pd.read_excel। लास्ट टाइम हमने सी एस वी को डिस्कस किया था तो read_csv लिखा था। आपने बहुत ज्यादा केयरफुली काम करना है कि आपके पास एक्सेल फाइल को आप रीड कर रहे हैं या आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को आप रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने वही लिखना है। पैरेंथेसिस में आपने उसका लोकेशन लिखना है, इसकी पैथ लिखना है कि कहाँ वो फाइल मौजूद है। मेरे पास ये फाइल एफ ड्राइव पे यानी मेरी यूएसबी पे मौजूद है। फाइल का मेरा नाम है सैम्पल डाटा। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सैम्पल डाटा .xls एक्सटेंशन, ये जरूर लिखना है आपने और कोटेशन में लिखना है। अब मैं जब इसको रन करवाऊंगी तो आप देखेंगे कि ये एक्सेल फाइल एग्जैक्टली जो यहाँ मौजूद है ये हमारे पास आ जाएगी जुपिटर नोटबुक पे, और हमने ये पैंडास को यूज करते हुए यहाँ लिया है। राइट, अब क्या है, यहाँ मैंने सिंपल लिखा है अपनी एक्सटेंशन लिखा यहाँ पे और जहां मेरी फाइल मौजूद है। अगर आप इसके साथ देखें इसका नाम क्या है, इस शीट का नाम है सैंपल। अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स होंगी तो बहुत अच्छा है कि आप जो भी आपको शीट चाहिए यहाँ पे आप उसका नाम भी लिख दें सैंपल। और अब मैं इसको आप रन करवाऊंगी तो सेम एग्जैक्ट आपके पास यही डाटा फ्रेम आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा बेहतर है कि अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स है एक एक्सेल फाइल में तो आप यहाँ पे उसका नाम जरूर लिखें ताकि वही शीट आपके पास आ जाए। अब देखें यहाँ पे जो मैनेजर का कॉलम है इसमें बी कंपनी है, इसका मैनेजर अभी कोई नहीं है, बाकी कंपनीज में तो है इसका कोई नहीं है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक्सेल फाइल में एनी है। मैं कहती हूँ अब हमने सपोज कोई हायर कर लिया, राइट, या हमें मालूम हो गया कि नाम क्या है बी कंपनी के मैनेजर का, तो यहाँ पे आप कैसे ऐड करेंगे यहाँ जुपिटर नोटबुक को यूज करते हुए। तो इसके लिए आपको कन्वर्टर फंक्शन यूज करना है। कैसे यूज करना है मैं अभी आपको बताती हूँ, बहुत आसान है। यहाँ पे सबसे पहले आपने डिफाइन करना है कन्वर्ट अंडरस्कोर जो भी आपके कॉलम का नाम है, हमारे कॉलम का नाम यहाँ मैनेजर है जिसपे हमने चेंज करना है, अंडरस्कोर सेल, और आपने पैरेंथेसिस में भी सेल लिखना है। ये कैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं, जब हमने बेसिक पाइथन स्टार्ट की थी तो वहां मैंने आपको अच्छी तरह ये सिखाया था। यहाँ पे आप कंडीशन लगा दें इफ सेल इक्वल इक्वल एन ए, देखें यहाँ पे है एन ए, और ये इक्वल इक्वल टू टाइम्स क्यों है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट, तो ये भी बेसिक पाइथन में हमने अच्छी तरह डिस्कस किया था। अगर ये एन ए है तो रिटर्न कर दे साइमाजीज, आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट, साइमाजीज रिटर्न सेल। और यहां मैंने क्या लिखा है कि कन्वर्टर्स आर्ग्यूमेंट यूजुअली टेक पाइथन डिक्शनरी, इसका क्या मीनिंग है ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ कैसे लिखना है, आपने यहां तक एग्जैक्ट सेम लिखना है जो हमने ऊपर लिखा था, कॉमा के बाद कन्वर्टर्स इक्वल टू मैनेजर, क्योंकि हम मैनेजर कॉलम को में चेंज करना चाहते हैं, जहां एन ए है वहां हम चाहते हैं कि नाम आ जाए। और यहाँ क्या लिखना होगा, एग्जैक्ट वही जो आपने यहाँ डिफाइन किया था अपने फंक्शन को, कन्वर्ट अंडरस्कोर मैनेजर अंडरस्कोर सेल, एग्जैक्ट आपने यहाँ ये लिखना है। एक दफा मैं और दिखा दूं ताकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो ना नजर आए। और आखिर में आपके पास ये पैरेंथेसिस है, राइट, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो यहाँ क्लोज हुआ है। अब मैं जब मैं इसको रन करवाती हूँ तो आप देखेंगे कि जहां मैनेजर में हमारे पास एन ए वैल्यू थी अब वहां हमारे पास नाम आ गया मैनेजर का साइमाजीज। तो कैसे आपने ऐड करना है, कन्वर्टर फंक्शन को यूज करके। अब मैंने कहा ये डिक्शनरीज लेते हैं, राइट, कन्वर्टर फंक्शन मैंने कहा यूजुअली टेक पाइथन डिक्शनरी। कैसे है, जैसे अब रेवेन्यू में भी आपके पास यहाँ नॉट अवेलेबल है, और एक्सेल फाइल में भी आप यहाँ देखें ये नॉट अवेलेबल है, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, राइट। ईपीएस का नॉट अवेलेबल आपने खुद चेंज करना है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो क्या करना होगा आपने, अब हमने मैनेजर को भी चेंज करना है साइमाजीज से सपोज, और रेवेन्यू को भी करना है, तो हमने दो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करने हैं, डेफ डेफ सेम कन्वर्ट कन्वर्ट, यहाँ कॉलम का नाम लिखे, यहाँ मैनेजर का नाम है, यहाँ हमने रेवेन्यू का नाम लिखा, बाकी सेल 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 एग्जैक्ट सेम है। इफ सेल इज इक्वल टू एन ए और हमारे पास दूसरे में क्या मौजूद है, वहां नॉट अवेलेबल है, देखिए यहाँ तो वर्ड हमारे पास एन ए है और यहाँ रेवेन्यू में नॉट अवेलेबल है, तो जो वो होगा वही आपने यहाँ लिखना है, तो रिटर्न कर दे नन,
राइट right? और यहां मैंने क्या कहा रिटर्न, अगर आप चाहते हैं कोई वैल्यू असाइन करना तो वो वैल्यू लिखें, लेकिन अगर आप नन चाहते हैं एन ए एन वैल्यू तो आप नन ऐसे करके लिख दें। और यहां हमने डिक्शनरी बनाई डी एफ इज इक्वल टू, यहां तक एग्जैक्ट सेम है, कन्वर्टर्स आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे मैनेजर, और जो भी आपने फंक्शन को डिफाइन किया है, यहाँ ये रेवेन्यू के लिए डिफाइन किया, इससे ऊपर वाला हमने मैनेजर के लिए डिफाइन किया था, एग्जैक्ट आपने सेम लिखना है। इसको जब मैं आप रन करवाऊंगी तो क्या होगा आपके पास कि जहां पे रेवेन्यू में आपके पास नॉट अवेलेबल था वो नैन में कन्वर्ट हो गया। अब आपका क्या काम है, अब आपने इस नॉन अवेलेबल को सेम ईपीएस के लिए भी आप इस तरह डिफाइन करें फंक्शन कन्वर्ट अंडर स्कोर ईपीएस अंडर स्कोर सेल, राइट, इफ सेल इज इक्वल टू नॉट अवेलेबल, आप जो भी इसको वैल्यू देना चाहते हैं ताकि जो भी मैसी वैल्यूज होती हैं इसको हम एन ए एन में कन्वर्ट कर दें, ताकि डेटा क्लीनिंग में और जो हम फर्दर काम करेंगे उसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछिए, साथ में साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।